हेलो, वेलकम टू माय मम्मा चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो व्यूअर्स, मैं सोनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। और आज मैं आपके सामने आ गई हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कड़ाही दम आलू की रेसिपी, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 5 प्याज का मैं यूज करूंगी यहाँ पे, साथ ही साथ 3 टमाटर, 2 लहसुन की कलियां, 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्च। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मोटे टुकड़ों में प्याज को यानी कि ऑनियन को कट कर लिया। टमाटर भी वैसे ही साइज में हम कट करेंगे। थोड़े से हमें खड़े मसाले चाहिए, जैसे कि मैं 3 से 4 सूखी लाल मिर्च यूज करूंगी, 2 बे लीव्स हो गए हमारे, 2 हरी इलायची, कुछ लौंग, थोड़े से ब्लैक पेपर और दालचीनी। सबसे पहले आपको आलू वॉश करना है, पील ऑफ करना है, फिर से वॉश करना है उसको। उसके बाद से आप किसी भी पोकी ऑब्जेक्ट से इसमें होल बनाएं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे चाकू का यूज कर रही हूँ, नाइफ से मैं कहीं कहीं पे इसमें होल बना रही हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी कुक हो जाए, साथ ही साथ जो हम मसाले यूज़ करेंगे वो इसके अंदर तक जाए। खड़े मसालों को मैंने यहाँ पे कूट के रख लिया है, और जो लहसुन अदरक है उसको भी क्रश करके यूज़ करेंगे हम। आप चाहे तो उसका पेस्ट भी बना सकते हैं हरी मिर्च इसमें ऐड करके। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाने का प्रोसेस। ऑयल यहाँ हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो मैंने करीब 6 से 7 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। उसमें हम तेज पत्ता यानी कि बे लीफ और सूखी लाल मिर्च डाल करके उसको सॉटे कर लेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक जो हमारा है, लहसुन अदरक, उसको ऐड कर रही हूँ, और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ मैंने कुटे हुए खड़े मसाले भी ऐड कर दिए हैं, और साथ ही साथ इसमें जाएगा हमारा प्याज का टुकड़ा। फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखना है। ऑनियन को करीब 1/2 से 1 मिनट तक पका लेना है, और ज़्यादा नहीं कुक करना क्योंकि हम आलू भी इसके साथ ही पकाएंगे। यहाँ मैं करीब 2 से 2.5 चुटकी हींग का यूज़ कर रही हूँ। और अब हम यहाँ पे जो हरी मिर्च है वो मैंने डाल दिया। आप चाहे तो इसको जिंजर गार्लिक के साथ भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से भी डाल दें। इन सभी को हम अच्छे से चलाएंगे, और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी आलू। आलू अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो आप वो यूज़ करें, मैं मीडियम साइज़ के आलू ले रही हूँ। और फ्लेम मैंने यहाँ पे लो रख लिया है। लो फ्लेम पे हमें प्याज के साथ आलू को अच्छे से पकाना है ताकि वो पक भी जाए और जो प्याज है हमारे वो जले नहीं। तो फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखना है। धीरे धीरे धीमी आंच पे हम इसको कवर करके पकाएंगे, बीच बीच में चेक करते हुए। दोस्तों ये जो रेसिपी है ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप वैसे तो हम दम आलू कुकर में बनाते हैं, लेकिन ये जो कड़ाही में बनती है इसका मज़ा ही कुछ और है। ये बहुत ही जायकेदार बनती है, और आज ये रेसिपी मम्मी बना रही है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको कवर करके। तो आई सजेस्ट कि एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छी बनती है। थोड़ा सा ऑयल और मसाले इसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट समटाइम्स वी कैन हैव दैट ऑल्सो। यहाँ कवर करके चलाते हुए अब मैं इसमें हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने डाला है, और इसको फिर से मैं फ्लेम थोड़ा बढ़ा रही हूँ। मैं 600 सेंटीग्रेड पे इसको हम पकाएंगे, हल्दी का जो कच्चापन है वो निकल जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 4 छोटे चम्मच धनिया पाउडर मैंने लिया है, साथ ही साथ मैं इसमें चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 से 2.5 चम्मच चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली पाउडर ऐड करें, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच ऐड अप कर रही हूँ, और साथ ही साथ इसमें जाएगा हमारा रोस्टेड जीरा पाउडर। आप रोस्टेड या विदाउट रोस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 2 चम्मच मैंने जीरा पाउडर यहाँ पे यूज़ किया है। इसको फिर से हम एक बार चलाएंगे अच्छे से, कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दी है। टमाटर डालने के बाद इसका एक अलग ही टेक्निक है। टमाटर इस तरह से आप डालें और जितने भी आलू और मसाले हैं उससे उसको पूरी तरह से कवर करके सॉल्ट ऐड करके हम इसको ढक के लो फ्लेम पे कुक करेंगे।
तो जिससे क्या होगा कि 1 से 2 मिनट में टमाटर जो है अच्छे से पक जाते हैं और उसका जो एक टेस्ट आता है वो एक अलग लेवल का ही आता है। यहाँ मैंने गरम मसाले ऐड किए हैं, गरम मसाले में करीब 4 छोटा चम्मच यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने एक बार कवर कर दिया और कवर करके हम इसको 2 से 2.5 मिनट तक कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कि कलर जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है हमारे कढ़ाई दम आलू का, और टमाटर प्याज तो ऑलमोस्ट पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर भी पकने शुरू हो गए हैं, 60% तक कुक हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ, 2 छोटे गिलास पानी मैं ऐड कर रही हूँ। आपको जैसी कंसिस्टेंसी और थिकनेस चाहिए उस तरह से पानी ऐड अप करें। सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने करीब 2.5 से 3 चम्मच छोटे चम्मच सॉल्ट ऐड किए थे। कवर करके मैं इसको 5 से 6 मिनट तक और पका लूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। 600 to 800 सेंटीग्रेड के बीच में हम इसको कुक करेंगे। आलू हमारे पक चुके हैं, सब कुछ अच्छे से घुल मिल चुका है, फिर भी मैं एक बार और इसको कुक कर ले रही हूँ। तो इस तरह से आप इस सब्जी को बनाइए, दम आलू को बनाइए कढ़ाई में और इसे इंजॉय कीजिए राइस के साथ, रोटी पराठे किसी के साथ भी। ऊपर से मैं इसमें छौंका लगा रही हूँ करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा के साथ में। तो हमारा ही बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल, जायकेदार जो रेसिपी है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसको गर्मा गर्म सर्व करें आप, जीरा राइस, रोटी पुलाव किसी के साथ भी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड टच द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।